हेलो वेलकम टू डीएनएफ। आप शशांक लव मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और जैसा कि सुना, बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि एमआई आज मेरी टीम थी और वो हार चुकी है। कैसे हारी है भाई बताइए? भाई ऐसा क्यों होता है जो टीम लेते हो वो हार जाती? कैसे इतनी कंसिस्टेंसी कैसे? आरसीबी बेचारी हार जा रही है। कई बार स्लीपर सेल तो नहीं ये ऐसे जिता रहे भाई, ऑपोजिट टीम लेके उसको जिता देते। लेकिन भाई आज रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला हमें जिस तरीके से। तो रोहित शर्मा का फाइनली जरूर मैच पे बात आएंगे कि किस तरीके से मैच चला, लेकिन रोहित शर्मा फाइनली वो शतक आ गया है। बहुत टाइम से वेट हो रहा था, आई थिंक 2013 के आसपास से शतक नहीं आया है। तो ये एक अच्छी चीज कि रोहित शर्मा बैक इन फॉर्म और बैट के साथ वो इंटेंट दिखा रहे हैं। आज की अगर जिस तरीके से बात करें, पूरी इनिंग चली सीएसके, वहां पे एमआई ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था क्योंकि ऑफकोर्स वानखेड़े है तो टीमें चेस करने को देखती है। आज भी वही हुआ है, लेकिन एक बड़ा वहां पे चेंज था कि गायकवाड़ की जगह रहाणे आए थे ओपन करने, लेकिन रहाणे कुछ कर पाए नहीं। रचिन रविंद्र 16 में 21, गायकवाड़ 40 में 69, एक कप्तानी पारी 172 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद शिवम दुबे आया 38 बॉल पे 66 रन, 173 का स्ट्राइक रेट उनका भी। डैरिल मिचेल नहीं आ रही थी आज बॉल बल्ले पे, जब लगा लास्ट ओवर में वो चीज हुआ तब आउट हुए, लेकिन तब आए महेंद्र सिंह धोनी, 4 बॉले खेलने को मिली, 3 पे 3 लगातार छक्के जड़े और लास्ट बॉल पे एक डबल आया। तो वहां पे फिर वो स्कोर पहुंचा 206 की तरफ, मोमेंटम पूरा गया चेन्नई में। अभी मैं समझता हूँ खराब फैसला कि आप फाइनल ओवर फर्स्ट इनिंग में जब आप बॉलिंग कर रहे हैं तो फाइनल ओवर आप अपने सबसे बेहतर बॉलर को देना चाहते हैं, जबकि वहां पे 20वां ओवर जो देना चाहिए था बुमराह को वो वहां पे हार्दिक पांड्या डालने आए और 19वें ओवर में ही बुमराह के जो ओवर्स हैं वो खत्म करवा दिए गए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है अभी वो फैसला आरसीबी वाले मैच में भी यही हुआ था कि आपने पूरा मोमेंटम आरसीबी को दे दिया था, आज के मैच में भी यही हुआ है। वही ये 20 रन है, वही ये धोनी के 20 रन है जो फर्क पड़े है इस मैच में। एक इस पहली इनिंग्स की हाईलाइट, मतलब कितने प्लेयर्स ने मारा हो लेकिन धोनी हाईलाइट तो धोनी है। आप स्ट्राइक रेट देखिए, 62, 131, 172, 173, 121, 500, मतलब 200 भी नहीं। तो हाईलाइट तो धोनी है, 3 छक्के आगे मारे हार्दिक पांड्या को, जिस तरीके से मोमेंटम बदल दिया और मोमेंटम पूरी तरीके से सीएसके की तरफ शिफ्ट कर दिया। जिस तरीके से लगातार एमआई अच्छी बॉलिंग करी थी डेथ ओवर्स में, हमें देखने को मिल रहा था कि रन्स की गति रोक रखी थी कहीं ना कहीं, धोनी के आते ही सब चेंज हो गया। डैरिल मिचेल का जब विकेट आया उसके बाद जिस तरीके से लोग, अब देखिए डैरिल मिचेल अभी खेल रहे हैं फिलहाल न्यूजीलैंड से, अपने नेशनल टीम से भी खेलते हैं, लेकिन उस तरीके से बैट टू बॉल नहीं आ रही। धोनी आते हैं तो लगता है कि अलग ही, बिल्कुल ग्राउंड अलग है, पिच अलग है, सब अलग है। वो बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज भी डील कर रहा है इस सीजन में, तो बिल्कुल ही डेडली नजर आ रहे हैं। जी हाँ, डेडली वहां पे जरूर नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। बात करें अब किस तरीके से और भी आगे यहाँ पे गेम चलता ही रहा है, स्कोर बोर्ड अगर एक बार हमारा खुल जाए तो मजा सा ही आ जाए जिंदगी में। जी हाँ यस, तो हमने बात करी उसके बाद बॉलिंग की, जिस तरीके से बॉलिंग चली, नबी 3 में 19, कॉर्ज 4 में 35, 4 में 27, 3 में 37, 1 में 9, 3 में 43, हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में पड़े 20 रन, शेफर्ड 2 में 33। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक होप थी कि शेफर्ड वो काम और हार्दिक पांड्या वो काम अपने बल्ले से भी करके देंगे। रोहित शर्मा एक एंड पे खड़े रह गए, लास्ट तक खड़े रह गए सीएसके बॉलर्स के सामने, लेकिन दूसरे एंड से ईशान किशन वापस एक अच्छी शुरुआत दी थी रोहित शर्मा के साथ, लेकिन विकेट गवाया अपना। सूर्य कुमार यादव पथिराना, आज पहले ईशान किशन को आउट किया उसके बाद सूर्य कुमार यादव को जीरो पे। प्लान लगा मुझे काफी, सबसे फील्डर लगा रखा था वो, पहले से प्लानिंग करके आए थे उस बॉल के लिए जाएंगे और वो विकेट बहुत ही बेहतरीन कैच। उसके बाद तिलक वर्मा भी 20 पे 31, वो भी बढ़िया खेल रहे थे, उनके लिए भी एक बढ़िया सेटअप था। ऊपर के तीनों मेन विकेट पथिरान लेके गए, फिर हार्दिक पांड्या तुषार देशपांडे का एक अच्छा सेटअप था, एक स्लोअर बाउंसर, जडेजा के हाथ में सीधी कैच, टिम डेविड वहां पे 2 छक्के मारे, लेकिन फिर मुस्तफिजुर रहमान वहां पे आउट हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। शेफर्ड 2 बॉल में 1 रन बोल्ड किया सीधा पथिराना ने, मोहम्मद नबी 7 में 4, नबी तो बाहर लग रहे और मैच ही खत्म हो गया भाई, बाहर ही लग रहा है, पता नहीं क्यों ही है टीम में भाई। सीएसके की बॉलिंग की बात करें, सिर्फ 5 ही बॉलर हैं,
जिस तरीके से सीएसके ने बॉलिंग करी है, तुषार देशपांडे 4 ओवर 1 रन 1 विकेट 7 इकोनॉमी से रन दिए, रहमान आज थोड़े महंगे साबित हुए 55 रन दिए 1 विकेट लिया, लेकिन लास्ट ओवर जिस तरीके से निकाला काफी अच्छे तरीके से, शार्दुल ठाकुर 4 ओवर्स में 35 रन दिए, मतलब सरप्राइज दूंगी शार्दुल ठाकुर इतना कम कैसे, 8.5 की इकोनॉमी से रन दिए 8.75 की इकोनॉमी से, रविंद्र जडेजा 4 ओवर्स में 37 रन 37 रन 9.25 की इकोनॉमी से, पथिराना 4 ओवर 28 रन 4 विकेट जो डिसाइडिंग फैक्टर कहते हैं ना, जो एक बॉलर एमआई में मिसिंग थे, बुमराह में जो विकेट्स हमें मिसिंग लग रहे थे बुमराह की जो स्पेल पे, वो पथिराना ने कहीं ना कहीं सीएसके के लिए काम करा है। एक्यूरेट यॉर्कर्स बोल्ड मारा रोमारियो शेफर्ड को, वहां से तो खत्म हो गया मैच एमआई के लिए, एमआई की होप्स खत्म हो गई, तो रोमारियो वो 1 विकेट इंपॉर्टेंट था, तो पथिराना मुझे लग रहा है एक फैक्टर रहे एमआई की तरफ, एमआई के जो विकेट गिरे उनके लिए, सीएसके के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन पथिराना का वापसी हुई मैच में और अपना इंपैक्ट डाला। देखिए पॉइंट्स टेबल की बात करें, जैसा आपने कहा कि इतना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है इस 20 रन की जीत से, सीएसके अभी भी 8 पॉइंट के साथ 6 मैचेस 8 पॉइंट और तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे केकेआर है 8 पॉइंट के साथ, उन्होंने 1 मैच कम खेला है लेकिन जीत बराबर है सीएसके को, 2 मैच में लगातार वहां पे हार मिली थी, राजस्थान 5 जीतों के साथ टॉप पे है। बात करें मुंबई इंडियंस की तो अब पंजाब से भी नीचे आ गया है, रन रेट और गिर गया है उनका, पंजाब को अपनी दूसरी जीत मिल चुकी थी, तो मुंबई इंडियंस अब पंजाब के नीचे आ गया, 8वें नंबर पे मुंबई इंडियंस है। कल के मैच की बात करें, आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, नंबर 4 वर्सेस नंबर 10 चिन्नास्वामी में मैच है, तो ये मैच भी हम आपके साथ पूरा लाइव कवर करने वाले, 6:50 पे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग डीएनए, YT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीएनए इंग्लिश हिंदी दोनों ही, फेसबुक चैनल को लाइक कर लीजिए, जो फेसबुक पेज है हमारा, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए दोनों ही चैनल्स के, और सारी अपडेट्स के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड कर लीजिए, एंड कीप वॉचिंग डीएनए, थैंक यू।